तो दोस्तों अगर आप भी यहाँ पे Realme का डिवाइस यूज करते हैं तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं बात करने वाला हूँ जो भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपकमिंग अपडेट में आने वाला है अक्टूबर 22 का, तो यहाँ पे कौन कौन से आपके आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है फीचर्स देखने को मिल सकते हैं आज की इस वीडियो के थ्रू मैं बात करने वाला हूँ। और अगर आप यहाँ पे कोई भी डिवाइस यूज करते हैं, कोई भी सीरीज यूज करते हैं, जो डिवाइस जो है एप्लीकेबल होने वाली है यहाँ पे न्यू अपडेट अक्टूबर 22 का, उनमें ऑलमोस्ट क्या फीचर्स मिलने वाला है इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा, वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर अपडेट है कई सारे डिवाइस को यहाँ पे अक्टूबर 22 का जो है देखने को मिलने वाला है फ्यूचर में। अब ऐसे में जो भी डिवाइस लिस्टेड हो सकती है अपडेट के लिए, मतलब जो भी डिवाइस होंगी, ठीक है, कोई भी डिवाइस हो सकती है, तो यहाँ पे जिन भी डिवाइस को यहाँ पे अपडेट मिलेगा तो आपको पता है उसमें से कई सारी डिवाइसेस को फीचर्स भी जो है देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जो लेटेस्ट जो फीचर है यहाँ पे सिक्योरिटी पैच इंप्रूवमेंट का, ठीक है, वो सबसे अच्छा यहाँ पे आपको सभी डिवाइस में जो है देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कई सारे डिवाइस में जो अपडेट दिया गया था प्रीवियस वाला, उसमें यहाँ पे किसी जो है यूजर्स को यहाँ पे जो है सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, बग्स की प्रॉब्लम आ रही है, सिस्टम लैगिंग की प्रॉब्लम आ रही है, हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, ओवर यहाँ पे जो है हैंगिंग की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कई सारी ऐसी मे भी प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पे देखने को मिल रही है उनको, और जो है यहाँ पे वो यूजर्स वेट कर रहे हैं न्यू अपडेट का। अब ये जनरली प्रॉब्लम जो है बीटा अपडेट में जो है देखने को मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट आ सकता है उसमें आपको यहाँ पे जो नया फीचर्स मिलेगा उसमें मे भी हो सकता है कि अपकमिंग टाइम में जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, मतलब जो भी बग वगैरह आए हुए हैं उनको यहाँ पे फिक्स किया जाए, ठीक है, और आने वाले समय में जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती है उनको यहाँ पे जो है रिमूव करके न्यू अपडेट जो है रिलीज किया जाए। क्योंकि आपको पता है ऑलमोस्ट कई सारे डिवाइस को यहाँ पे जो अपडेट रिलीज किया गया है उसमें कई सारे बग वगैरह भी जो है देखने को मिले हैं। ऐसे में जिन भी यूजर्स को यहाँ पे बग्स वगैरह देखने को मिले हैं उन यूजर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है डिवाइस को यूज करने में, और यहाँ पे कई सारे आपको पता है डिवाइस में जो है यहाँ पे कई सारे ऐसे फीचर्स है जो कि अभी तक नहीं मिले, मल्टी यूजर फंक्शन वगैरह, यहाँ पे जो है सुपर पावर स्विंग मोड भी कई सारे डिवाइस को मिला हुआ है, स्लिप कैप्सूल वगैरह भी कई सारे डिवाइस को मिला है, कई सारे डिवाइस को नहीं भी मिला है। तो मे भी यहाँ पे जो भी डिवाइस लिस्टेड होंगी उनको यहाँ पे जो भी न्यू अपडेट मिलेगा उनको यहाँ पे कुछ ही डिवाइस है जिनको न्यू फीचर्स मिलेगा, बाकी सिक्योरिटी पैच का जो लेटेस्ट अपडेट है वो ऑलमोस्ट Realme के सभी डिवाइस को जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है, यहाँ पे जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है वो जरूर से मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो सिस्टम लैगिंग वाला प्रॉब्लम है वो शायद मे भी शायद से जो है रिमूव हो जाए, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी पैच अपडेट होगा उन यूजर्स के लिए काफी अच्छी बात है कि उनको लेटेस्ट जो यहाँ पे सिक्योरिटी पैच का इम्प्रूवमेंट है वो जरूर से देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है सिक्योरिटी पैच को जो है यहाँ पे अपडेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अब ऐसे में कई सारे डिवाइस को जो पुराना अपडेट भी मिला, मतलब अगस्त का अपडेट चल रहा है, ठीक है, अब सितंबर का कई सारे डिवाइस को मिल रहा है, अक्टूबर तक आ गया, तो अक्टूबर में भी कई सारे डिवाइस के यूजर को यहाँ पे जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है वो भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। वेल अगर आप यहाँ पे Realme का लेटेस्ट डिवाइस यूज करते हैं ना तो मे भी चांसेस ज्यादा बन सकता है, मतलब यहाँ पे जो अपडेट के थ्रू नए फीचर्स का वो Realme Y 4.0 के बीटा ट्रायल वर्जन में जो है देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन पैनल वगैरह चेंज देखने को मिलेगा, आपको सेटिंग पैनल चेंज देखने को मिलेगा यहाँ पे, साथ ही साथ जो है और भी कई सारे नए फीचर्स जो है फ्यूचर में हो सकता है कि यहाँ पे ऐड किए जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जिनमें डिवाइस को कई सारे डिवाइस को यहाँ पे और भी कई सारे नए फीचर्स ऐड नहीं किए गए हैं तो हो सकता है कि उनको भी यहाँ पे जो है चेंज जो है देखने को मिल जाए। साथ ही साथ बैटरी का जो यहाँ पे ऑफिशियल एप्लीकेशन है इसमें आपको कई सारे चेंजेस जो है देखने को मिलता है, तो वो कई सारे चेंजेस जो है कई सारे डिवाइस में नहीं मिलता है। तो जिन डिवाइस को यहाँ पे नहीं मिलता है चेंजेस ओवरऑल यहाँ पे अगर आप अपडेट करते हैं अक्टूबर का या फिर अपडेट आता है, ठीक है, उनको यहाँ पे नया फीचर्स जो है देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ही ऐसे चीजें बताई जो कि मे भी हो सकता है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू जैसे ही आएगा तो यहाँ पे लेटेस्ट जो फीचर है वो जरूर से देखने को मिलेगा, ठीक है, जो भी अपडेट के लिए लिस्टेड होंगे। अब यहाँ पे हालांकि ये चीज ऑफिशियली कंफर्म नहीं है कि जो है अपडेट कब तक आएगा और कौन कौन सा यहाँ पे जो है डिवाइस हो सकता है, ठीक है, उसके लिए भी एज ए पॉसिबिलिटी जो है हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। जो भी डिवाइस के लिए एलिजिबल होंगी, जो भी डिवाइस हो सकता है कि आ जाए देखने को, उनको यहाँ पे पूरा लुक जो है यहाँ पे इंटरफेस जो है चेंज देखने को फ्यूचर में मिल सकता है। और एंड्रॉइड वर्जन चेंज होता है तो उसमें आपको डेफिनेटली जो है पूरी तरीके से चेंज देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, होपली आपको वीडियो पसंद आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।